तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट में दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जी हाँ दोस्तों एक नया वीडियो लेकर आए हैं जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एम टी एस ट्रेडमैन और फायरमैन से संबंधित भर्ती के बारे में जी हाँ दोस्तों ये तीनों वैकेंसी तीनों पोस्ट की वैकेंसी एक ही साथ आई हैं और दोस्तों ये आई टी आई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसका जो फॉर्म भरा जाना है वो दोस्तों ऑफलाइन भरा जाना है मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिए खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने आई टी आई की है दोस्तों हाल ही में भी आपको पता है डी एफ सी से एम टी एस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं इंडियन नेवी ट्रेडमैन से रिलेटेड भी वीडियो बनाए हैं और फायरमैन से संबंधित वीडियो भी बनाए हैं लेकिन दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों पोस्टों के लिए आपको एक ही वैकेंसी एक ही फॉर्म फिल करना और वो फॉर्म ऑफला है दोस्तों तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने यदि दसवीं के साथ आई कर रखा है तो इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिए यदि आपने खाली आई आई कर रखा है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं यदि आपने दसवीं अकेला कर रखा है आईटीआई नहीं कर रखी तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और यदि आप आईटीआई रनिंग में चल रही है आपकी आईटीआई अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों खासकर उन बच्चों के लिए जरूर आवेदन करना है जिन्हें जिनका सिलेक्शन डी एफ सी सी की वैकेंसी में नहीं हो पाया एंड इन अभी ट्रेडमैन में उनका एग्जाम सही नहीं गया तो वो मेरे हिसाब से तो हंड्रेड इस फॉर्म को फिल करें और दोस्तों काफ़ी कम समय है इस फॉर्म को फिल करने का इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ और दोस्तों आज ही आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर दें चूँकि ये फॉर्म ऑफलाइन है तो काफ़ी टाइम लगता है और दोस्तों इसमें योग्यता की बात कर लें यदि आपकी आयु अठारह से पच्चीस वर्ष के बीच में है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि आपने दसवीं आई टी कर रखी है तो भी आप इस वीडियो को बिना किसी स्केप के शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे करना है ऑफलाइन आवेदन ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बताऊंगा दोस्तों और यदि आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको सिंपली हमारे ऑफिसल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू ब्लू डब्ल्यू डॉट द वायरल स्टडी डॉट कॉम पर जाना होगा और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट ही विजिट करनी होगी चलिए मैं उसको आपको लाइव लेकर चलता हूँ और ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों यदि उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई से जुड़े हर छोटी बड़ी वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके लोगों तक तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा गूगल क्रोम ब्राउजर मारो इस पर सिंपली टाइप करना होगा डब्लू डब्ल्यू डब्लू डॉट द वायरल स्टडी डॉट कॉम ये लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाके भी इसको विजिट कर सकते हैं फिलहाल ये लिंक खुलेगी दोस्तों इस तरीके से है लिंक खुलेगी और आपको कुछ नहीं करना दोस्तों सबसे आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको पहली पोस्ट ओपन करनी है जहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको देखेगा एम टी एस ट्रेडमैन फायर पोस्ट ओनली फॉर टेंथ पास एंड आई टी आई होल्डर अप्लाई ना हो तो दोस्तों सिंपली आपको क्लिक कर देना चलिए क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऐड खुल के इसको क्लोज करते थे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस टाइप का एक इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपको हिंदी भाषा में सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों इस पोस्ट के एमटीएस टी ट्रेडमैन फायरमैन की, की पोस्ट के पद के नाम की बात कर लें तो एम टी एस ट्रेडमैन और फायरमैन की यहाँ पर पोस्टें पोस्टों की संख्या पदों की संख्या की बात कर लें तो चार सौ अंठावन पद निकली हुए हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे मात्रा में पद हैं प्रारंभिक तिथि की बात कर लें तो दोस्तों 12 जुलाई को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था और 13 जुलाई को मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और 10 दिन के अंदर आपको इसका आवेदन करना है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अभी आप आज ही के डेट में इसका फॉर्म फिल कर लीजिए कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में परीक्षा तिथि दोस्तों इसकी अटेंटेटिव रखी गई है सितंबर दो परीक्षा फीस की बात कर लें तो फिलहाल कुछ नहीं लगना परीक्षा फीस आयु सीमा वही अठारह से पैंतीस वर्ष और माफ़ कीजिए अठारह से पच्चीस वर्ष और ए रिलैक्सेशन में आपको छूट मिल जाएगी और इसके बाद योग्यता की बात कर लें तो यदि आपने दसवीं पास कर रखा है या फिर आईटीआई पास कर रखी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं और कार्यस्थान की बात कर लें संपूर्ण भारत में कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होने वाली है दोस्तों आवेदन का प्रकार ऑफलाइन रहेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स लिंक मैंने दी है इंपोर्टेंट लिंक्स में दोस्तों प्रवेश पत्र बहुत जल्द ही आएँगे आवेदन फॉर्म को आपके यहाँ से मिल जाएगा आधिकारिक वेबसाइट आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर सब कुछ हिंदी में आधिकारिक अधिसूचना मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं और इसके पाठ्यक्रम भी बताऊँगा सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों यहाँ से विजिट कर सकते हैं और इसके संबंध में वीडियो को जानना हो तो दोस्तों आप एक क्लिक हियर पर क्लिक करके हमारी यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं फिलहाल हम अपन करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड क्लिक हियर पर क्लिक तो चलिए क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों इस टाइप का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये नोटिस आया है दोस्तों पोस्टों के बात ट्रेडमैन मैट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एम देखने को मिल जाएगा और फायरमैन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो दोस्तों ट्रेडमैन मैट की जो वैकेंसी है एक सौ जनरल के लिए ओ के लिए एस सी के लिए अलग अलग डिफाइन की गई हैं आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद ही पढ़ लीजिए दोस्तों योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पे योग्यता भी आप देख लीजिए एक मिनट में दिखा देता हूँ योग्यता दस में पास मांगी गई है या फिर इसके एक यदि आपने आई कर रखी है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं पेमेंट अठारह से छप्पन रहेगी और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस की भी पोस्ट हैं एमटीएस की पांच पोस्टें हैं फायरमैन की छब्बीस पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए टोटल पोस्ट पोस्टें आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है पोस्टों का दोस्तों तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं इसके बाद पेमेंट वही रहेगी दोस्तों फायरमैन में थोड़ी ज़्यादा पेमेंट है योग्यता वही है दसवीं पास मांगी गई है या फिर आपने आई टेगर रखी तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे नो फिज़िकल टेस्ट विल बी कंडक्ट हैंडी और कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा इसके बाद दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा और एक से अधिक पोस्ट के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते तो इस बात के याद रखिए आप या तो एम टी के लिए कीजिए या ट्रेडमैन के लिए करिए या फिर आप दोस्तों करिए यहाँ पे फायरमैन के लिए दोस्तों अलग अलग है यहाँ पर क्वालिफिकेशन दोस्तों सब में दसवीं मांगी गई एम में दसवीं मांगी गई है फायरमैन में, में दसवीं मांगी गई है और यहाँ पे ट्रेडमैन में, में दसवीं मांगी गई है दोस्तों फिलहाल जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं आप इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़िए और तो जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ एज रिलैक्सीसन की बात कर लेते हैं अठारह से पच्चीस वर्ष जनरल कैटेगरी वालों के लिए अठारह से अट्ठाईस वर्ष ओ बी सी कैटेगरी वालों के लिए एस सी एस टी के लिए अठारह से तीस वर्ष और यू डब्ल्यू एस के लिए अठारह से पच्चीस वर्ष ही रखा गया है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं लेकिन दोस्तों यदि आप फायरमैन पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे आपके एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कुछ पैरामीटर दिए गए हैं चेस्ट आपका इक्यासी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होने चाहिए फुलाने के बाद पचासी होने चाहिए वज़न कम से कम पचास किलो आपका होना चाहिए तो ये फायरमैन पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर सकते हैं इतना क्र... इतना क्राइटेरिया आपके पास जरूरी है दोस्तों फायरमैन में यहाँ पर फिजिकल भी होना है रनिंग होगी डेढ़ किलोमीटर की साढ़े छः मिनट में आपको कंप्लीट करनी है दोस्तों और यहाँ पर ये आप देख लीजिए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों फायरमैन पोस्ट के लिए एम के लिए कोई फिजिकल नहीं होना दोस्तों एम के लिए कोई फिजिकल नहीं होना यदि आप ट्रेडमैन मैट के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर टेस्ट होगा यहाँ पर रनिंग वही होगी दोस्तों डेढ़ किलोमीटर वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर छः मिनट तीस सेकंड में दोस्तों रनिंग है और कैरिंग और पचास किलो का वजन उठा के आपको दो सौ मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है सौ सेकंड में तो ये दोस्तों ट्रेडमैन के लिए फिजिकल रखा गया है अब दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं सिलेबस की इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा और कैसे फिल करना है सिलेबस की बात कर लें तो दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस के पच्चीस क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के पच्चीस क्वेश्चन आने हैं जनरल इंग्लिश से पचास क्वेश्चन आने और जनरल अवेयरनेस से पचास क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब इंग्लिश और जी में पचास पचास क्वेश्चन आने इस प्रकार से टोटल दोस्तों एग्जाम रहेगा डेढ़ नंबर का और आपको टाइम ड्यूरेशन रहेगी ढाई घंटे की तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सारे अटेंड करने ढाई घंटे में दोस्तों डेढ़ सौ क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया है फायरमैन ट्रेडमैन और एमटीएस के लिए दसवीं बेस्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखना है एप्लीकेशन शुड भी एड्रेस किस एड्रेस पे ये एप्लीकेशन भेजना है दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी वीडियो को पॉज करके किसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एड्रेस पे आपको ये एप्लीकेशन भेजना है और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन यहाँ पर लेटर के ऊपर आपको अपनी कैटेगरी और अपनी पोस्ट जरूर लिखनी है है ना दोस्तों ये आप याद रखिए आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो लिखिए है, और अपनी कैटेगरी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको जरूर मेंशन करनी है सबसे ऊपर लिफाफे की और दोस्तों यहाँ पे ये आपके सर्टिफिकेट दिए गए हैं पच्चीस रुपये का एक पोस्टल स्टाम्प भी आपको एक डा भेजना है इसी के साथ भेजना है दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट ये सब आपको इनकी कॉपी रखनी है और आपको ओरिजिनल कॉपी बिल्कुल भी नहीं भेजनी जो फोटो कापी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है और दोस्तों इसको आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए चूँकि बहुत लंबा है ये इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिलहाल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो, तो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा है एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूमेंट ऑफ ट्रेडमैन मैट तो दोस्तों ये फायरमैन और एम यदि आप ट्रेडमैन मैट और फायरमैन या एम की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दो दोस्तों इसका पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको पेज नंबर बारह है दोस्तों बारह का प्रिंट आउट निकलवाइए इसको फॉल फिल कीजिए कैंडिडेट नेम फादर नेम मदर नेम आधार कार्ड विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको भरनी है आपकी यहाँ पे फोटो भी लगानी है दोस्तों रिक्रूटमेंट नोटिस ये आपको दिया गया होगा सबसे ऊपर आप उसके लिए भर सकते हैं यहाँ पे टिक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे भरना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस क्वालिफिकेशन की टेबल वगैरह भर के और दोस्तों आपने अपनी कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे ये सब दोस्तों भर के डिक्लेरेशन और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे साइन करके या इसको आप जरूर भेज दीजिए दोस्तों भर के आज ही के डेट में भेज दीजिए क्योंकि दस दिन के अंदर इनको एप्लीकेशन चाहिए ऑफलाइन एप्लीकेशन है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जानकारी पसंद आई होगी तो दोस्तों यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं मैंने सारी जानकारी दे दी फॉर्म भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा तो अभी फॉर्म का प्रिंट निकालिए पेज नंबर बारह उसको फिल कीजिए और जरूर पोस्टल ऑर्डर से पच्चीस का पोस्टल स्टाम्प भर के और जो एड्रेस का स्क्रीन शॉट आपने लिया उस पर अभी सेंड कर दीजिए और पोस्ट के सबसे पहले आप लिफाफे के ऊपर अपने पोस्ट का नाम और अपने कैटेगरी जरूर मेंशन करेंगे तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार हैं तो आई टेसि जो भी वैकेंसी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में हम रेगुलर आपको इस प्रकार की वीडियो बनाते रहें फिलहाल के सीचवर्ड में इतना ही और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट द वायरल स्टेडियो डॉट कॉम पर ये लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ एक न्यू अपडेट के साथ तब तक बाय बाय धन्यवाद थैंक यू